की ऑर्चर्ड्स में एक ड्रोन स्प्रे का डेमो किया, जिसमें हमारे साइंसदान, हमारे ऑफिसर्स, हमारे फील्ड वर्कर्स, हमारे गार्डनर्स, इन सब के सामने यूनिवर्सिटी ने आज एक ऐसा डेमो दिया कि इनको दिखा दिया कि जो हम ये हाईटेक एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, जो हम डिजिटल एग्रीकल्चर या प्रिसिशन एग्रीकल्चर कहिए उसकी तरफ जा रहे हैं, कि भाई स्पेसिफिक जगह पे हम दवाई फेंकेंगे, जो दरख्त बीमार है, जिस पत्ते में बीमारी लगी है, ड्रोन की वजह से हम सीधा उसी पेड़ पे दवाई फेंकेंगे, बाकी पे हम दवाई नहीं फेंकेंगे। इस तरह हम अपने माहौल को बचाएंगे, हम अपने दवाई के कीमत को बचा देंगे, हम हमारे लेबर को बचा देंगे। और जिसमें हमें काफ़ी देर तक काफ़ी मेहनत, काफ़ी लेबर डेज लगते थे, वो आपको एक एकड़ जैसे मान लीजिए, एक एकड़ ये 8 मिनट में स्प्रे कर देगा। और इस तरह इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, और इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, और उन सेंसर्स द्वारा हम डिजीज्ड प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं। और इस तरह हमारे ये प्रिसिशन एग्रीकल्चर को जम्मू कश्मीर में लॉन्च करने का एक पहला मौका है। फार्मर को कैसे ये मुहैया हो सकता है? हाँ, कैसे कहाँ पे? जहाँ हमारे यहाँ 10 कृषि विज्ञान केंद्र है, 10 कृषि विज्ञान केंद्र में से हम अवलिन सूरत में एक एक ड्रोन लाएंगे, और जो उनका ज्यूरिसडिक्शन है, जो वहाँ पे किसान है, उनको इस्तेफादा होगा ज़रूरी। लेकिन एक कम्युनिटी बेसिस पे ज़रूरी इस बात की है कि हमें कम्युनिटी बेसिस पे जो है को ड्रोन्स को ले लेना है। गवर्नमेंट के पास स्कीम है, गवर्नमेंट इनको 50% पे जो है सब्सिडी दे देगी, और 50% पे सॉफ्ट लोन्स देते हैं, और 50% के लिए कम्युनिटी बेसिस पे 2-4-5 गांव को इकट्ठा होके एक कम्युनिटी कस्टम सर्विस लेना होगा, और अपने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना।